सर आज आप मौके पे आए हैं। नगरा थाने अंतर्गत एक गांव में घटना हुई है जहाँ पे एक युवक का शव मिला। सर मामला क्या है और पुलिस किस एंगल पे वर्क इस समय कर रही है? थाना क्षेत्र नगरा में आज सुबह सूचना मिली थी कि एक युवक का शव खेत में मिला है। सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर फोरेंसिक टीम, पुलिस और अन्य सभी टीमों के द्वारा मौके पर आकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं देखा गया। देखने से मृतक की पहचान हुई है। वह उसके जहाँ पे खेत में शव मिला है उससे लगभग 1 किलोमीटर दूर मृतक का घर है, जहाँ से उसकी माता जी और दादों से बात हो रही है। इस समय मौके पे जो बॉडी मिली है उसको पीएम के लिए भेजा गया है। घर वाले फिलहाल कोई ऐसा हमको ठोस वो नहीं बता रहे हैं कि किसी से मेरी दुश्मनी है या कोई और चीज़ हो। सभी एंगल्स पे विचार किया जा रहा है। बॉडी पे कहीं कोई ज़ाहिरा चोट नहीं है, उसके गले पे एक काले रंग का निशान की चोट दिख रही है, जो जिसके बारे में पीएम के डॉक्टर से क्वेरी करके जानकारी दी जा रही है कि वह क्या है और नमस्कार, मैं हूं शबीना परवीन और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। रामलीला देखने गए युवक का शव धान के खेत में मिला। बलिया नगरा थाना क्षेत्र के डिहवा गांव में शुक्रवार की सुबह धान के खेत में शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक की गला घोटकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुँच गयी, घटना स्थल को खंगाला, निरीक्षण करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। डिहवा निवासी शिवम यादव गुरुवार की रात में खाना खाने के बाद गांव में ही रामलीला देखने गया था। अगले दिन सुबह शिवम का शव धान के खेत में मिला। सुबह शौच करने गए लोगों ने खेत में पड़े अज्ञात शव को देखने के बाद शोर मचाया और पुलिस को सूचना दी। खबर फैलते ही वहाँ भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। फिर लोगों ने उसकी पहचान शिवम के रूप में की। परिजनों ने बताया कि वह कल रात को भोजन करने के बाद रामलीला देखने गया था, लेकिन रात को वापस नहीं लौटा। शिवम 3 भाइयों में सबसे छोटा है। इसके पिता शैलेंद्र यादव बाहर रहते हैं। शिवम के दोनों बड़े भाई पिता के साथ रहते हैं। घर पर मां के साथ शिवम रहता था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहे भारत मीडिया के साथ। भारत मीडिया के लिए नगरा से शहजाद हुसैन की रिपोर्ट। खबरों से जुड़ने के लिए भारत मीडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लें। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहें भारत मीडिया के साथ।